namaskar we know that rajasthan being a big state has had variations not only in its climate and relief but also in its culture different areas of the state with their difference in relief and climate have led to development of different tribes throughout the state and today अमंग दीज वेरियस ट्राइब्स विल स्टार्ट विद द स्टडी ऑफ द भील ट्राइब ऑफ राजस्थान राजस्थान में जलवायु एवं धरातल की विभिन्नता के कारण नेचुरल वेजिटेशन की भी भिन्नता पाई जाती है और ये प्राकृतिक वनस्पति धरातल और जलवायु की भिन्नता राज्य में भिन्न प्रकार की सभ्यताओं और संस्कृतियों के प्रादुर्भाव के लिए उत्तरदायी रही है पूरे राज्य में हमें विभिन्न प्रकार की जातियाँ और जनजातियाँ देखने को मिलती हैं जिनके अपनी अपनी सभ्यताएं और संस्कृतियां हैं इन भिन्न जातियों में से आज हम भील जनजाति का अध्ययन करेंगे राजस्थान की भील जनजाति राजस्थान में सभ्यता एवं संस्कृति के समन्वय से कई जातियों का प्रादुर्भाव हुआ है ये जातियाँ क्योंकि जंगलों में रहती थी और पहुँच से दूर एकाकी और गहन जो पहाड़ी और जंगली क्षेत्र हैं इनमें पाई जाती थी और इसलिए ये जातियाँ आदिवासी जातियाँ और आदिवासी जनजातियाँ कहलाएं राजस्थान की आदिवासी जनजातियों में प्रमुख आदिवासी जनजाति है भील जनजाति और आज हम इस भील जनजाति का अध्ययन करेंगे भील जनजाति राजस्थान में दक्षिणी क्षेत्रों में पाई जाती है यहाँ के जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में यह जनजाति रहती है प्रमुखतः उदयपुर जिला डूंगरपुर जिला बांसवाड़ा ज़िला और चित्तौड़गढ़ जिला भीन जल जाति का निवास क्षेत्र है इनके जो निवास होते हैं या इनकी जो मकान होते हैं उन्हें टापरा कहा जाता है टापरा के जो समूह होते हैं या जिन्हें हम बस्ती कहते हैं वो फाल कहलाते हैं और जो फालों का समूह होता है या जो भीलों के गांव होते हैं उन्हें पाल कहा जाता है आपने सुना होगा नाथरा का पाल ये एक भीलों का गांव है भीलों के जो आवास या मकान होते हैं वह अधिकांशतः कच्चे मकान होते हैं कोहलू युक्त होते हैं और ऊंचाई पर बने होते हैं क्योंकि ये लोग जंगलों में और पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं इसलिए जन जंगली जानवरों से सुरक्षा हो सके दुश्मन को दूर से ही देखा जा सके और अपने खेतों पर भी नज़र रखी जा सके इसलिए इनके जो मकान होते हैं वो ऊंचाई पर बने हुए होते हैं और इन घरों में भी ऊंचे स्थान पर लकड़ी की या खपच्चियों की मचान बनाए जाते हैं बांस के खपच्चियों की या लकड़ियों की जिससे कि ज़मीन पर सीलन अथवा जहरीले जानवरों से बचा जा सके इनका भोजन मुख्यतः मक्का होता है खाद्यान्न जो प्रमुख भीलों का है वह मक्का है मक्का को विभिन्न प्रकार से उपयोग किया जाता है मक्का की रोटी मक्का का दलिया अथवा खिचड़ी मक्का के ढोकले ये भीलों का प्रमुख खाद्यान्न है उसके अलावा ये जंगलों से भी फल एवं और जो जंगली प्रोडक्ट्स हैं उनको इकट्ठा करते हैं जैसे कि शहद इसके अलावा कुछ भील अब स्थायी कृषि या स्थानांतरणशील कृषि भी करते हैं जिसमें कि चावल दाल और गन्ने का फसल किया जाता है ये जो गन्ना है इससे गुड़ बनाया जाता है और गन्ने के रस अथवा गुड़ तथा वहाँ पे जो प्राकृतिक रूप से महुआ के पेड़ उगते हैं उनको मिलाकर ये स्थानीय रूप से शराब का निर्माण करते हैं और शराब भीलों के जो ये महुआ की शराब है ये भीलों के भोजन का एक प्रमुख और स्थायी अंग है तो भील भोजन में अपने स्थानांतरणशील खेतों में उगाई गई मक्का दाल और अन्य सब्जियों के साथ साथ जंगलों से एकत्रित की गए शहद और फल का उपयोग करते हैं वस्त्र जो ट्रेडिशनल भील जाति का पहनावा होता था उसमें पुरुष खुले बदन रहते थे और लंगोट पहना करते थे महिलाएं लहंगा कंचुकी और ओढ़नी प्रमुख रूप से पहनती थीं महिलाएं प्लास्टिक के आभूषणों का उपयोग करती हैं इनकी जो स्पेशलिटी है वह है इनके हाथों में कलाई से लेकर के और बाजुओं तक सफ़ेद रंग की प्लास्टिक की अथवा हाथी दांत की चूड़ियाँ त्योहारों पर पुरुष धोती और अंगरखा पहनते थे पर अब वर्तमान में शिक्षा के साथ साथ इनके पहनावे में भी बदलाव आ रहा है अब ये कुर्ता कमीज़ अंगरखा और पैंट शर्ट का उपयोग करने लगे हैं इनकी भाषा ऐसा माना जाता है डॉक्टर मजूमदार ये कहते हैं कि भील लोग पूर्व द्रविड़ियन प्रजाति के हैं और इसीलिए इनकी भाषा में द्रविड़ और मुंडा भाषा के शब्द पाए जाते हैं इनकी भाषा को दक्षिणी राजस्थान में बागड़ी या भीली कहा जाता है और इसीलिए जो भीलों वाला प्रदेश है भीलों का निवास क्षेत्र है उसके लिए हम बांगड़ शब्द का प्रयोग करते हैं दक्षिण राजस्थान के जो मेवाड़ क्षेत्र की मेवाड़ी भाषा है और राजस्थान से लगता हुआ राजस्थान से लगता हुआ जो हमारा सीमा राज्य गुजरात है तो गुजरात की भाषा और मेवाड़ी भाषा का भी सामंजस्य और प्रभाव इनकी बागड़ी भाषा में हमें स्थानीय रूप से देखने को मिलता है इनके परिवार पितृसत्तात्मक परिवार होते हैं परिवार का मुखिया जो भी पुरुष उस परिवार का सबसे बड़ा होता है वो पिता हो सकता है दादा हो सकता है परदादा हो सकता है तो परिवार का उम्र के लिहाज से जो सबसे बड़ा पुरुष होता है वह उस परिवार का मुखिया होता है उस परिवार की व्यवस्था का उत्तरदायित्व भी परिवार के मुखिया का ही होता है वही परिवार के सदस्यों के भोजन वस्त्र व्यवहार अनुशासन विवाह आदि के लिए जिम्मेदार होता है इनके परिवारों की जो बड़ी इकाई होती है वो गोत्र कहलाती है और भीलों में सम्मिलित कुटुंब परिवारी, परिवार परिवार प्रणाली पाई जाती है और इनके परिवार का आधार यह सम्विलित कुटुंब प्रणाली ही होती है इनका समाज पुरुष प्रधान समाज होता है जैसा कि अभी हमने देखा कि पितृ सत्तात्मक परिवार होता है पुरुष प्रधान समाज होता है और कुटुंब प्रणाली इनके परिवार का आधार होती है तो इनके यहाँ कुटुंब प्रथा का प्रचलन पाया जाता है और एक कुटुंब एक संयुक्त परिवार की तरह कार्य करता है जैसा कि अभी हमने देखा परिवारों का समूह गोत्र कहलाता है और क्योंकि समाज पुरुष प्रधान है पितृ सत्तात्मक परिवार है तो परिवार में पुरुष संतान की आवश्यकता मानी जाती है क्योंकि पुरुष संतान ही वंश को आगे बढ़ाती है और अगर किसी परिवार में पुरुष संतान नहीं होती है तो इनके यहाँ कुटुंब में से किसी अन्य पुरुष संतान को गोद लेने की प्रथा तो प्रचलित है ही और अगर ऐसा नहीं होता है तो परिवार की पुत्री के जमाई को भी घर जमाई बनाकर रखा जा सकता है जो कि फिर परिवार का आगे चल के मुखिया हो सकता है अगर कोई पुरुष संतान ना हो और कोई पुरुष गोद न लिया जाए तो विवाह इनके यहाँ विवाह संबंध गोत्र से बाहर होते हैं और एक पाल अथवा कुटुंब में या गांव में रहने वाले परिवारों के मध्य विवाह संबंध नहीं होता है नाता प्रथा का इनके यहाँ प्रचलन पाया जाता है अपहरण विवाह प्रथा भी प्रचलित है एक और जो स्पेशल फीचर इनके यहाँ देखने को मिलता है वह है सह पलायन विवाह इसके अंतर्गत किसी विशेष अवसर मेले या त्यौहार पर जब पूरा समाज एकत्रित होता है तो एक गोला बनाकर वहाँ के नवयुवक एवं युवतियाँ नाचते हैं और नाचते गाते हुए वे पूर्व परिचय के आधार पर या एक दूसरे को देखने पर चहेते लड़के लड़की एक साथ जंगल में चले जाते हैं या पहाड़ पर चले जाते हैं और दो तीन दिन के बाद वे घर आते हैं तब समाज के सभी लोग एकत्र होकर उनके विवाह को मान्यता दे देते हैं इस तरह के विवाह सहपलायन विवाह कहलाते हैं और अपहरण विवाह या सहपलायन विवाह में लड़की के परिवार को लड़के का परिवार नौतरे की रकम देता है तो इस तरीके से आज हमने भील समाज की जो सामाजिक व्यवस्था है उसका अध्ययन किया सो टुडे वी स्टडीड अबाउट द मेजर रेजिडेंशियल एरियाज द सोसाइटल पैटर्न देयर फूड देयर क्लोथिंग देयर हाउसेस देयर लैंग्वेज एंड द स्ट्रक्चर ऑफ़ देयर ऑफ द फैमिलीज ऑफ द भील ट्राइब थैंक यू